क्या कर रहे हो बेटा? और ये सारा सामान जो कि देने के लिए आया है। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे एंड हम भी अच्छे हैं। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों, अभी ये बर्थडे के बाद वाले दिन हम शूट कर रहे हैं और सुबह का करीब 8 बजने वाला है और मानसी सुबह सुबह ही देख सकते हैं गिफ्ट लेके दौड़ रही है, बोल रही है अनबॉक्स करने के लिए। तो चलिए, आप सब बन रही है, व्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या होता है आगे आगे आप लोग सब देखिए और बहुत ही मजा आने वाला है। तो लाइक कर दीजिए वीडियो को अभी से। हाँ, तो चलिए अभी चलेंगे थोड़ी देर में नहा धोके, है ना। तो अभी दोस्तों काजल खा रही है खाना, देख सकते हैं रात का जो सब्जी बचा था और पूड़ी। और मानसी बेटा भी अभी थोड़ा सा रेडी हुई है, है ना। तो अभी काजल जाने के लिए एक्साइटमेंट में देख सकते हैं क्या ही प्यारा अपना पैर रंग रही है। और मानसी बेटा भी यहीं बैठी है और जल्दी चलेंगे नहीं तो लेट हो रहा है ना। बस हो गया। और एक कट वाला साड़ी पहनी है, बाप रे, है देख, ठीक बा। फ्रेंड, अभी हम लोग जा रहे हैं और हमारे देवर जी आए हैं लेने। अब भाभी को तो लोग इस तरह से आने दे दे। हेलो दोस्तों, मां से बोल रही। हेलो दोस्तों, देखिए क्या ही प्यारा ड्रेस है। तो फ्रेंड, अभी देख सकते हैं कितना अच्छा नहर हम लोग पार कर रहे हैं। तुरगा नहर है और अभी दोस्तों हम लोग आए हैं इधर और देख सकते हैं इधर जैसे कि राजा दल गोपालगंज में जो बनता है ना पंडाल, उसी का ये गेट बन रहा है इधर से। और बहुत ज़्यादा भीड़ है और काजल अभी उधर है। तो चलिए थोड़ा सा इधर घूम लेते हैं फिर चलते हैं। और आप सब देख सकते हैं सदर अस्पताल के सामने हैं हम लोग। और जैसे कि सचिन भी रात को आया था गोलू, मानसी का बर्थडे होने के बाद आया, मतलब ट्रेन ही लेट था इस वजह से। तो ये भी तैयारी कर रहा है, पटना में रहता है। बाकी अभी चलिए दो चार दिन तो अभी इधर मेला वाला घूमेंगे सब लोग। क्या कर रहे हो बेटा? और ये सारा सामान जो कि देने के लिए आया है। काजल भी आई है, भाभी भी इधर है, पीछे वाला लुक आता रही, देखिए पर्स टांग ले कैसे। इनको तो 6:30 से तो मेरी बात करा देते हैं। तो दोस्तों ये है नेक्स्ट डे एंड आप सभी का गुड मॉर्निंग। और बहुत सारे आप सब के मन में सवाल होगा, बहुत सारे सवाल होंगे, तो चलिए उसका हम रिप्लाई करते हैं। कल हम जैसे कि गए थे वहाँ पे, तो क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ बताते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, वहाँ पे हमारा जैसे कि मम्मी ने बुलाया था हमें फर्स्ट टाइम किसी चीज़ में, फंक्शन बोल सकते हैं कुछ भी, मतलब हाँ बुलाई थी कहने का मतलब। तो वहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या था तो चलिए बताते हैं आप सबको। और प्लीज़ अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना बेटा। तो देखिए वहाँ पे हमें और भैया को, भाभी को और गोलू को, मतलब सबको बुलाए गए। तो हम लोग सब लोग गए थे कल बाइक से, देखे थे, भाभी भी गई थी, भैया भी गए थे, हम भी गए थे, काजल भी गई थी, मानसी भी गई थी। तो वहाँ पे गोपालगंज में बस स्टैंड से पहले ही इधर थामेला रोड में एक मंदिर पड़ता है राइट साइड में, तो वहीं पे मम्मी आई थी और गांव के भी कुछ लोग थे वहाँ के और हम लोग भी वहीं पे गए थे। वहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ कि मेरे से जो छोटा भाई है उसके लिए लड़की देखना था, तो वही सब देखने के लिए सब लोग गए थे और सब कुछ अच्छा रहा सारे चीज़ें। और घर पर हम लोग नहीं जा पाए, घर पर अभी अलाउ नहीं है। और जैसे कि मम्मी को भी अभी वीडियो में लाना अलाउ नहीं है और वहाँ पे जो भी चीज़ें हुई उतना खुल के दिखाना भी अलाउ नहीं था। तो हमने जैसे ऐसे थोड़ा बहुत शूट कर लिया, ज़्यादातर कुछ भी नहीं किया। तो वही अब देखिए शादी कब है, वैसे लड़की पसंद है सबको और शादी कब होता है ये तो वैसे अब डेट अपडेट होने के बाद मिलेगा, मतलब पंडित जी बताते हैं कि किस महीने में शुभ मुहूर्त है, क्या है क्या नहीं, तो वो सब पंडित जी बताएंगे। और बाकी सभी लोगों से अच्छा मिलन हुआ, अच्छा मम्मी ने काजल को रसगुल्ला भी खिलाया, मिठाई खिलाई और हम सभी खाए थे, मम्मी ने अपने हाथों से खिलाया था।
वो बोल रही थी मतलब बड़ी भाभी को पहले खिला चुकी हैं, काजल बची थी, काजल को खिलाना, इसलिए काजल को भी खिलाई और काफ़ी खुशी खुशी हम लोग वहाँ से आ गए देख ओख के और सारी चीज़ें हो गई। अब देखिए शादी कब होता है वो तो हम आपको वीडियो में अपडेट दे देंगे, और शादी में जाना है कि नहीं जाना है क्या होगा वो तो आगे चल के पता चलेगा, क्योंकि शादी तो अक्सर घर पे ही होगा, तो घर पे जाना अभी तक अलाउ नहीं है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि शादी में जा भी सकते हैं। और ख़ासकर काजल नहीं जाएगी तो हम भी नहीं जाएंगे, क्योंकि मानसी है, छोटी बच्ची है, तो फैमिली को अगर सब लोग तीनों लोगों को बुलाया जाएगा तो देखेंगे जाएंगे, नहीं तो अगर सिर्फ मुझे बुलाया जाएगा तो मैं नहीं जा सकता। तो वही चीज़ें हैं जो आप लोगों से बतानी थी, और वहाँ पे मेला भी लगने वाला है दशहरा का, माता दुर्गा जी आने वाली हैं तो उन्हीं का मेला लगेगा वहाँ पे, बहुत ही अच्छा वाला मतलब बहुत ही भीड़ होता है। तो आज ही है सप्तमी, और सप्तमी के दिन आज ही मेला स्टार्ट हो जाता है, आज आँख खुलता है मूर्ति जी का, तो काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी दिन सुहाना लग रहा है। और मम्मी ने मतलब कि मानसी को भी खिलाया, सबको खिलाया अच्छे से, और हमसे भी जितना हो पाया उतना हमने किया, पैसे से लेके हर एक चीज़ में कल के डेट में, और करते भी हमेशा करते हैं, ऐसा नहीं कि, बट यही है कि हर चीज़ दिखाना शो ऑफ करना ये अच्छा हमें भी नहीं लगता और मम्मी को भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना। और हम तो मम्मी से बोले भी थे कि वीडियो में आ जाओ, रिक्वेस्ट भी किए थे, बट कह रही हैं कि अभी नहीं, शादी के टाइम हो सकता है बना लेना वीडियो, क्योंकि हमें भी एक आशा है ना, जिज्ञासा है कि हम भी अपनी मम्मी को दिखाएं वीडियो में कि हमारी मम्मी कैसी है, भाई को दिखाएं, बहन को तो देखे ही होंगे आप लोग, तो हर एक आदमी का होता है अपनी मम्मी से इंट्रोडक्शन कराना, क्योंकि पापा नहीं है वो तो आप सबको पता है, जो है सो मम्मी है, तो क्या कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे हम लोग रहते हैं वो अलग बात है, अभी तक मतलब घर पे नहीं जाते, वहाँ पे नहीं बुलाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन एक होता है ना माँ से प्रेम, वो सब हमारे दिल में ऑलरेडी है, हम सोचते हैं कि मम्मा कितना भी मम्मी मतलब कि हम लोगों के साथ कुछ भी करे, ना बुलाए बुलाए वो भी अपना कुछ ना कुछ देख के ही करते होंगे, ऐसा कुछ ना कुछ रीज़न होता है हर एक चीज़ का, तो वो हम समझते हैं, इस वजह से हम नहीं जाते हैं। और देखिए फाइनल डिसीजन तो शादी में है कि अगर बुलाएंगे सभी को तो सभी लोग जाएंगे, नहीं तो क्या कर सकते हैं, अभी तक तो नहीं बुलाए तो इसका मतलब यही है कि उस टाइम भी दिक्कत हो सकती है, बस देखेंगे जो भी होगा आप लोगों के सामने होगा, क्योंकि हम हर एक चीज़ दिखाते हैं आप लोगों से, आपको भी फैमिली मानते हैं हम लोग, तो आप सब भी हमें फैमिली की तरह प्यार देते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, हालांकि लाइक से कोई पैसे नहीं मिलते हैं, ना ही कुछ इंक्रीजमेंट मिलता है, ना ही व्यू आता है, लाइक से बस हमें ये लगता है कि हाँ हमें चाहने वाले इतने, देखने वाले तो कितने हैं मुझे पता है, देखने वाले तो व्यू जितना आएगा उतने लोग देखते हैं, लेकिन लाइक जितने लोग करते हैं उससे ये लगता है ना कि हमें इतने लोग पसंद करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए और दिखाइए अपना प्यार हमें, क्योंकि कहाँ से कहाँ तक हम लोग आए हैं वो तो आप सबको पता ही है, जर्नी क्या थे, अभी भी हम कुछ नहीं हैं, क्योंकि जो सपना हम सोच रखे थे शुरू से ही वो अभी धीरे धीरे करके पूरा हो रहा है, जैसे कि घर देख सकते हैं, बट ये अभी इतना जल्दी कंप्लीट होने वाला नहीं है, और देखिए बट लगे हैं कैसे भी करके, कहीं से दो चार पैसे आए उसी के लिए लगे रहते हैं हमेशा, और एक होता है ना कि एक ही किसी भी फील्ड में हो उसी पे पूरा फोकस करो तो ज़्यादा बेटर होता है, दो जगह तीन जगह अगर करोगे तो फिर ऐसे में दिक्कत हो जाती है, इसलिए हम पूरा फोकस ही सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, ताकि कैसे कैसे करके अपना घर पहले कंप्लीट करा लें, क्योंकि सोशल मीडिया कोई भरोसा नहीं होता है। और कल गए थे ना तो उधर आने में रात हो गया था, हमें लेट नाइट आए थे करीब वही 6-7 बजे, तो ठंडा लग गया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि बाइक पे हम हाफ शॉर्ट में ही गए थे, बाइक पे इधर ठंडा बढ़ गया ना, तो बाइक पे आ रहे थे तो थोड़ा ठंड लग गया था, इसलिए सर्दी जुकाम हो गया। तो चलिए आप सभी से यही बतानी थी, और सब कोई अच्छे हैं, सब कोई ठीक हैं, आप सब भी अच्छे हैं, हम भी कोशिश करते हैं अच्छा बनने के लिए, आप सब अगर आप सबको कुछ भी गलत लगता हो हमारे अंदर, कोई चीज़ ऐसा जो हमें नहीं करना चाहिए, जो हमें चेंज करना चाहिए, तो वो आप हमें बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से, तो आप लोग कमेंट करना ना भूलिएगा, एंड हमारी इसी तरह की डेली वीडियो देखने के लिए आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी न्यू वीडियो आप सबको मिलती रहे देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। और आज काजल अभी घर में काम करे, क्योंकि आज है सप्तमी।
तो आज आँख खुलने वाला है, तो इसलिए घर में पूजा होता है, पूरा साफ सफाई में लगी। तो चलिए अगले ब्लॉग का इंतजार कीजिए, सारे कुछ दिखाएंगे क्या क्या कर रहे हैं हम लोग। बाय।